लाश को नहीं मारता, कुत्तों को नहीं मारता, कोई जानवर को नहीं मारता, कोई बकरों को नहीं काटता, कोई 57 चाकू लाश मारे हैं, 57 चाकू मर्डर कर दिया, मैं जेल जाऊंगा। 21 नवंबर 2023 को एक यूसुफ नाम का 17 साल का बच्चा कुछ पैसे लेकर दूध और आटा लाने के लिए अपने घर से बाहर गया और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने सपनों में भी कभी नहीं सोच सकता था। हे एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेयांश सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस। और आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी 3 महीने पहले ही हुआ है। एंड आई थिंक दिस केस वेंट अ लिटिल बिट अनडिस्कवर, बट ट्रस्ट मी, दिस विल गिव यू chills and make you question everything. So let's not waste any more time and dive into today's case, which is revolving around Yusuf murder case. यूसुफ वॉज 17-year-old बॉय जो कि गली नंबर 27 जाफराबाद दिल्ली में रहता था। और यूसुफ की फैमिली में यूसुफ खुद, यूसुफ का एक बड़ा भाई, यूसुफ की माँ और यूसुफ की एक बड़ी बहन थी। और जो यूसुफ के फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी कुछ अच्छी नहीं थी। लाइक दे वर लिविंग इन जाफराबाद और वो एक लेबर क्लास एरिया है, वहाँ उसी टाइप के लोग रहते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा कुछ अच्छी नहीं होती। एंड टू सपोर्ट देयर फैमिली, यूसुफ और उसका बड़ा भाई दोनों दिल्ली के वेलकम एरिया एक फैक्ट्री में काम करते थे। और वो दोनों इतने मेहनती थे ना कि वो दिन की और रात की दोनों शिफ्ट्स में काम करते थे ताकि वो एक शिफ्ट के पैसों से तो अपना घर खर्चा चला सके और दूसरी शिफ्ट के पैसे वो जमा करते थे अपनी बहन की शादी के लिए। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि एक 17 साल का बच्चा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इतना काम कर रहा है तो कितना समझदार बच्चा होगा। और मैं यूसुफ के बारे में आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। ही वॉज नीदर एक्सट्रोवर्टेड नॉर इंट्रोवर्टेड, ही वॉज काइंड ऑफ एम्बिवर्टेड बॉय, बट ही वॉज वेरी ब्रेव एंड लविंग। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। एंड ऑन दी अदर हैंड, लेट्स टॉक अबाउट द बॉय हु डिड द क्राइम एंड वी आर कॉलिंग हिम डांसिंग मर्डरर। हाँ, अभी इस लड़के का नाम सामने नहीं आया है एंड वी विल नो क्यों, लेकिन कुछ सोर्सेस से पता चला है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसका नाम आसिफ है। आसिफ भी जाफराबाद इलाके में ही रहता था और उसके परिवार में उसकी माँ जो कि एक मेड थी और उसके 4 भाई बहन थे। उसकी एक बड़ी बहन की शादी एक ऐसे इंसान से हो रखी थी जो कि जाफराबाद का हिस्ट्री सेटर था। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज ए गून और आसिफ अपने जीजू से बहुत ही इन्फ्लुएंस था, वो उन्हें बहुत एडमायर करता था, वो हमेशा उनके साथ साथ घूमना चाहता था और जैसे जैसे उसके जीजू करते थे वैसे वैसे उसे करना था। आसिफ को लगता था उसके जीजाजी बहुत पावरफुल है और इस गलत एनवायरनमेंट में रह रहकर आसिफ ऐसा बन चुका था कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उस इंसान पे 4 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, जिसमें से 2 केसेस थे स्नैचिंग के, एक था रॉबरी का और एक तो आसिफ पे मर्डर केस भी चल रहा था। उसने वेलकम एरिया में एक 26 साल के इंसान को चाकू मार दिया था और आफ्टर दिस उसे करेक्शन होम भी भेजा गया। करेक्शन होम इज जेल फॉर बिलो 18, वो एक नाबालिगों की जेल होती है, जुवेनाइल जेल। वहाँ वो उन बच्चों को जीना सिखाते हैं, उन्हें आइसोलेट रखते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आसिफ को वहाँ से रिलीज कर दिया था। एंड प्लीज रिमेम्बर दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट ए 16-year-old बॉय। I can't even imagine कि एक 16 साल का बच्चा इतना सब कुछ कर सकता है। और उस करेक्शन होम से रिलीज होने के बाद जब आसिफ वापिस आया तो वो कुछ सुधरा नहीं था, उसमें कोई बेटर चेंज नहीं आया था। वो अपनी जेब में एक चक्कू लेके भी घूमने लग गया था, एक मीट काटने वाला चक्कू, और वो उस चक्कू को दिखा के लोगों को डराता था, उन्हें लूटता था। एंड वी कैन अंडरस्टैंड बाई दिस कि वो एक कैसा इंसान था। ही वॉज अ टोटल पीस ऑफ डेंजरस शिट रोमिंग अराउंड विद अ नाइफ। एंड नाउ लेट्स गेट टू द नाइट ऑफ मर्डर। 21 नवंबर 2023। और मेन इंसिडेंट पे चलने से पहले लेट सी दिस मैप। तो आप इस मैप पे देख सकते हो जो जाफराबाद है और जो जनता कॉलोनी और जो वेलकम एरिया है वो एक ट्राइंगल में है और जो यूसुफ रहता था वो जाफराबाद में रहता था। इट वॉज अ नॉर्मल डे फॉर यूसुफ, वो अपना काम करके अपनी शिफ्ट पूरी करके घर आया और घर पे कुछ समय रुकने के बाद उसकी अम्मी ने उसे 350 रुपये दिए और उसे बोला कि यूसुफ आटा और दूध लेके आ जा। और वो अपने घर से बाहर निकला रात को तकरीबन 9 बजे। तो यूसुफ जाफराबाद से निकला और निकलते ही यूसुफ के एक कजन का यूसुफ के पास कॉल आया और वो कजन वेलकम एरिया में रहता था। तो उसके कजन ने यूसुफ को उससे मिलने के लिए बुलाया तो यूसुफ बीच में वहां चला गया अपने कजन से मिलने। और वो जब अपने कजन से मिल लिया और वहां से वापस निकला तो वो जाफराबाद की ओर वापस आ रहा था।
तो जब यूसुफ जनता कॉलोनी से निकल रहा था, वहाँ उसकी मुलाकात हुई आसिफ से, और आसिफ उस वक्त बहुत नशे में था। और इसके बाद आसिफ ने यूसुफ से बोला कि तेरे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दे, लेकिन यूसुफ रजिस्ट। इसके बाद आसिफ उससे जबरदस्ती रुपए लेने लगा, तो यूसुफ ने उसे भी रजिस्ट किया। वो उससे लड़ने झगड़ने लग गया था वहाँ पे, और वो उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त रात के 11:15 हो रहे थे, और जनता कॉलोनी में यूसुफ और आसिफ लड़ रहे थे। तो ये ही लड़ाई यूसुफ और आसिफ के बीच में थोड़ी बढ़ने लगी। आसिफ उससे जबरदस्ती पैसे लेने की कोशिश कर रहा था, और यूसुफ वो पैसे उसे देने से मना कर रहा था, और वो उससे लड़ रहा था। तो 11:15 पे आसिफ चोक्ड यूसुफ, आसिफ ने यूसुफ का गला दबा दिया था। और जब यूसुफ अनकॉन्शियस हो गया, आसिफ ने उसको उठाया और वो उसे घसीटता घसीटता एक दूसरी गली में लाया। और इसके बाद आसिफ ने अपना चाकू निकाला, एंड ही स्टार्ट स्टैबिंग यूसुफ इन हिज फेस, और वो रिपीटेडली यूसुफ के मुंह पे और उसके गले पे चाकू मारता जा रहा था। और जब ये सबकी आवाज सुन के जो नेबर्स है वो बाहर आए अपने घर से, तो वो चाकू दिखा के उन्हें भी डराने लगा। एंड देन ही केम बैक एंड किक्ड यूसुफ मल्टीपल टाइम्स, ही इवन ट्राइड टू बिहेड यूसुफ। और ये सब करते करते वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने मर्डर कर दिया और मैं जेल जाने वाला हूँ। एंड ही केप्ट स्टैबिंग हिम रेकलेसली, और इतना पागलपन आसिफ के लिए बहुत नहीं था कि देन ही स्टार्टेड डांसिंग नियर द बॉडी एंड ही स्टार्टेड स्टैबिंग हिम अगेन। ही ऑलमोस्ट स्टैब्ड हिम 100 times दैट नाइट। दिस होल इंसिडेंट वॉज कैप्चर्ड इन ए स्ट्रीट कैमरा, और वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी भी, और वो मेरे पास है भी। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग भी वो देखे, लेकिन इफ यू वॉन्ट टू सी दैट प्लीज डीएम मी। और आफ्टर ऑल दिस आसिफ ने यूसुफ की बॉडी को फिर से घसीटा और उसे एक दूसरी गली में छोड़ दिया। और दुख इस बात का है कि किसी ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करी। एंड आफ्टर सम टाइम किसी ने पुलिस में रिपोर्ट करी, तो पुलिस आई और वो यूसुफ की बॉडी को GTB हॉस्पिटल लेके चली गई। और उसी रात आसिफ भी मिल गया था, उसे अरेस्ट कर लिया गया, और उसका जो चाकू था उसे भी जब्त कर लिया गया। और जब इंटेरोगेशन हुई, जब आसिफ से पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया, तो आसिफ ने रिप्लाई करा कि उसे बिरयानी खानी थी और उसे पैसे चाहिए थे। और आसिफ का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के बाद और कितना ब्रूटली उसने यूसुफ को मारा है ये देखने के बाद, पुलिस आर सीकिंग कोर्ट्स परमिशन टू ट्राई हिम एज ए मेजर। तो एज ए इंडियन लॉ वो अभी एक नाबालिग है, वो 18 से छोटा है, तो उसे एक जुवेनाइल होम में भेज दिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा सजा के लिए। और जब वो 18 का होगा उसे फिर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ही इज ए प्योर क्रिमिनल, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसको एक बड़े इंसान जैसे ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसलिए पुलिस कोर्ट से परमिशन ले रही है। तो डेट वॉज इट फॉर दिस केस। और इस केस पे और कोई अपडेट्स आएगी तो मैं उसे कॉमेंट्स में पिन कर दूंगा। और जो मेरे व्यूज है वो इस केस पे कुछ ऐसे हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, गुड एंड बैड। वो दोनों बच्चे, उनकी फैमिली कंडीशन एकदम सेम थी, वो दोनों एक ही जगह पे रहते थे, उनकी एज सेम थी, पर जो उनमें मेजर डिफरेंस था दोनों में वो था उनके एनवायरमेंट का। जो यूसुफ था वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था, वो उससे इन्फ्लुएंस था, और उसका बड़ा भाई एक मेहनती इंसान था, वो अपनी फैमिली के लिए काम करता था। और जो आसिफ था वो अपने जीजू से इन्फ्लुएंस था, जो कि एक हिस्ट्री सेटर थे और वो गलत काम करते थे। तो बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि एनवायरमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक बच्चे के ऊपर। तो एज एन एग्जांपल, जैसे कि मेरे जो बड़े भैया हैं, मैं हमेशा उनके जैसा बनने का ट्राई करता हूं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैं हमेशा उनके जैसा ही एक्ट करता हूं। एंड बाय दिस आई एम नॉट सपोर्टिंग आसिफ, ही वॉज अ बैड पर्सन, बस मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों के इन्फ्लुएंस का भी कितना फर्क पड़ता है। तो प्लीज ऑलवेज बी एन गुड इन्फ्लुएंस टू योर यंगर्स, योर ओल्डर्स, एवरीवन। तो यस, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक सच कॉन्टेंट। एंड यस, आई नो वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, आई वॉज रियली बिजी, आई वॉज गेटिंग सम थिंग्स डन। और मैं कंसिस्टेंटली हफ्ते में 2 वीडियोज डालने का ट्राई करूंगा, जिसमें से एक वीडियो होगी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पे, एक वीडियो होगी हॉरर एक्सपीरियंसेस पे। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो मैं वीडियो के थ्रू सुनाऊं, प्लीज डीएम मी एंड लेट मी नो योर स्टोरी। एंड एट लास्ट बी सेफ, कीप योर लव्ड वंस सेफ, टॉक टू देम so openly, and I'll see you in another case. Bye bye.